आपने आज का टॉपिक रखा है उस पर तो मैं बोलूँगा, लेकिन इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि आखिर मुझे आर एस एन सिंह साहब को, सुशील पंडित को, गौरव आर्या को, ये तमाम सारे लोगों को आखिर ऐसा क्यों लगा कि अब समय आ गया है कि हमको लोगों को सीधे उनके बीच पहुंच करके न सिर्फ 70 साल का फ्रॉड बल्कि इस देश में इतिहास के साथ, इस देश में 1400 साल पुराने एक बड़े फ्रॉड के साथ जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, जो मान्यताएं आपके बीच में स्थापित की गई हैं, उनको उनकी ज़बान में तर्कसंगत तरीके से, लॉजिकली और फैक्चुअली आपके बीच रखा जाए, ताकि जो जनरेशन पिछले 70-80 साल से उस विचारधारा से डरी हुई है, उस विचारधारा के मानने वालों से डरी हुई है, और किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के बाद अपने आप को ऐसा पोजीशन किया कि आज तक आप उन सच्चाइयों को नहीं जान पाए हैं, या बताया नहीं गया जिनको बताना चाहिए था उन्होंने बताया नहीं, और जो जानते थे वो इस बात को भी जानते थे कि अगर हमने इसकी सच्चाई बता दी तो ये जो पूरा हमने आडंबर खड़ा किया है ये टूट जाएगा। तो मुझे लगा कि सिंह साहब ने कहा कि भाई ये काम आपको करना है, तो दिसंबर 2017 से हम लोग देश भर में जा रहे हैं, और हमारी कोशिश किसी को बुरा भला कहना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सच बताने में अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को सच बताइए, कौन नाराज़ होगा, कौन खुश होगा, कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में है। मैं ये मानता हूँ कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन समाज जो है वो परमानेंट है, और जब समाज के कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं, जब समाज की कि वो तमाम सारी इंद्रियां खुल जाती हैं, तो फिर सत्ता पे वही बैठता है जैसे समाज चाहता है। मैं अपनी बात को इस्लाम, कुरान, हदीस, शरिया, यहाँ से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि इन विषयों के ऊपर कम लोग बात करते हैं। अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय सुना होगा मस्जिद के बारे में। ये बात मैं बचपन से जानता था, क्योंकि जहां मेरी तालीम और तरबियत हुई वहां कुरान शरीफ मैंने पढ़ा, कंपलसरी था, तो ये बात मैं तो बचपन से जानता था कि इस्लाम में मस्जिद जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद एक नमाज पढ़ने की जगह हो सकती है, मस्जिद वैसे ही है जैसे कोई एक रेस्टोरेंट होता है, आप खाना खाने जाते हैं, कुछ समय बाद लगता है कि इसको तोड़ करके दूसरा बनाया जा सकता है, उसी तरीके से मस्जिद की हैसियत है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम, कुरान, शरिया की बात करते हैं, टेलीविजनों पर डिबेट पर बोलते हैं, एक भी 25 करोड़ लोगों में से, बड़े से बड़ा मैंने मुसलमान देखा, मुफ्ती देखा, मौलवी देखा, किसी ने इस सच को नहीं बताया कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मस्जिद से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा मैं मानता हूं कि मस्जिद भारत में पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मस्जिद के ऊपर लगने वाला माइक भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और अभी आप, हो सकता है मेरे जीते जी इस बात को सुने कि कब्रिस्तान और कब्रों का कंसेप्ट भी इस्लाम में नहीं है, कब्र बनती नहीं है, पक्की कब्र हराम है इस्लाम में, लेकिन कोई मुफ्ती नहीं बताएगा आपको, कोई मुसलमान आपको नहीं बताएगा। लेकिन इस देश में 99% झगड़े या तो मस्जिद को लेकर के हैं, या कब्रों को लेकर के हैं, या मज़ारों को लेकर के हैं, और आपके भोजशाला में भी यही समस्या है। लेकिन तमाम लोग आएंगे, सियासी लोग आएंगे, मैं समझता हूं कि सियासी लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं है भाई। समाज क्यों नहीं इन बातों को सवाल करता है, समाज क्यों नहीं इन बातों को पूछता है कि भाई आप ये बताएं कि जब सऊदी अरब के अंदर जिस मस्जिद में मोहम्मद साहब जाया करते थे,
जिस कम्युनिटी हॉल के अंदर मोहम्मद साहब जाया करते थे, जब वो तोड़ी जा सकती है तो फिर ये अयोध्या काशी मथुरा में मस्जिद कौन सी है भाई? इसको तो मुसलमानों को खुद ही तोड़ देना चाहिए था। जो मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, भाई भाई की बात करते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में ये कैसा भाईचारा है कि भाई आप हर बात में कहते हैं कि देखिए साहब ये भोजशाला जो है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल है। तो हर वो जगह सिंबल कैसे हो सकती है जहां आपने मस्जिदों को बनाने के लिए मंदिरों को तोड़कर गुम्बद बदल दी और कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे पूजा स्थल को तोड़ें, आप हमारी पूजा पद्धति को बिगाड़ें और उसके बाद कहें हम भाई भाई हैं, गंगा जमुना तहजीब है। तो मैं ये कह रहा हूं कि गंगा जमुना तहजीब का ठेका क्या हिंदुओं ने ले रखा है इस देश में? भाई गंगा जमुना तहजीब में तो बराबर की बात होनी चाहिए। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है कि जिस मुल्क में माइनॉरिटी के सामने मेजॉरिटी दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, उनकी ठोड़ियों में हाथ डाल रही है, उनसे गुजारिश कर रही है, उनसे सिफारिश कर रही है कि भाई तुमने हमारे 30-40 हज़ार मस्जिद तोड़ी, मंदिर तोड़े, उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया, हम तो तुमसे एक या दो मांग रहे हैं, वो उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मांगने से कभी कुछ मिला नहीं है। जहां भव्य राम का मंदिर बनाने की आप लोग बात कर रहे हैं, देश को जल्दी है, देश बनाना चाहता है, बनना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से टूटी थी क्या वो? तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा था क्या उसको? तो इस देश में हम अपने पुरुषार्थ को, अपनी 5000 साल पुरानी सभ्यता को, अपने उस पूरे कल्चर संस्कृति को जाने बगैर ही उससे हम कुंठित हैं, क्योंकि हमको गलत बता दिया गया है। अब हमको मौला रे मौला जो है वही हमारा क्या कहते हैं राष्ट्रीय गीत है, हमको इकबाल के बारे में ऐसा कुछ बता दिया गया है, हम इकबाल को महान मानते हैं क्योंकि हमने उससे आगे और पीछे पढ़ने की कोशिश नहीं की। लिहाजा जब बुनियादी हमारी गलत है तो हम ये कैसे मान लें कि इस पर जो इमारत बनी है वो 70 साल के अंदर क्यों हिलने लगी है? आखिर वो ऐसा सेकुलरिज्म क्या था? क्योंकि 76 से पहले तो ये देश कम्युनल था। 76 से पहले इस देश में इतना कम्युनलिज्म था कि सड़कों पे खूनंदेजी हो रही थी, दंगे हो रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी के बाद रात के अंधेरे में आपने संविधान के अंदर एक धारा जोड़ी और 42 अमेंडमेंट के थ्रू आपने कहा कि इसमें सेकुलरिज्म शब्द डालो। जिस दिन से सेकुलरिज्म का शब्द पड़ा है इस देश में उतना ही आतंकवाद, उतना ही कम्युनलिज्म बढ़ गया है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हम किस तरीके की चीजों के नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। हमें सेकुलर होने का मतलब पता नहीं है, सेकुलर शब्द का मतलब पता नहीं है। और वो लोग जो 800 साल इस मिट्टी में रहने की वजह से, यहां पैदा होने की वजह से, यहां जिस किस्म की शिक्षाएं दी जाती थी हजारों साल से, उसमें आपकी बुनियाद में क्या 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान के अंदर सेकुलरिज्म जोड़ा गया, क्या उससे सेकुलर है आप लोग? अगर उससे सेकुलर होते तो आप मुझे बताइए कि 700 साल गुलाम हो जाते आप? आप इतने सहिष्णु थे, इतने टॉलरेंट थे, इतने भोले थे, इतने ईमानदार थे कि आपने आने वाले किसी की नियत पे शक नहीं किया। और उसने आपको आने के बाद जिस तरीके से आपको खत्म किया, आपकी पूरी इतिहास को खत्म किया, आपको गुलाम बनाया, तो हम तो सेकुलरिज्म की कीमत पिछले 700 साल से दे रहे हैं, लेकिन तब भी हम कम्युनल हैं भाई। अगर हम कहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर, तो कहते हैं ये तो कम्युनल हो गए भाई। तो हम ये समझें और उन लोगों के सामने डिबेट करें कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक हिंदू से, जो मेजोरिटी है इस देश की, उससे कहते हैं आप सेकुलर नहीं, हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, हिंदू कम्युनल हो गया है। अब हमारे कम्युनलिज्म से हम अगर ये कहें कि भाई आप हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं, आप मस्जिदों को जाएं, आप नमाज पढ़ें, समझ में आता है। लेकिन कोई शहर मुझे इस देश में ऐसा नहीं लगता कि जिसमें उस शहर के अंदर आपने मंदिर को तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट ना किया हो। उसके बावजूद भी अजीबोगरीब मुल्क है, आप राष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, आप चीफ जस्टिस रहते हैं, आप देश की क्रिकेट टीम के कप्तान रहते हैं, हॉकी टीम के कप्तान रहते हैं, आप बड़े बड़े एक्टर बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पद से उतरते ही डर लगने लगता है। तो ये डर बड़ा खतरनाक है भाई, कि ये हम समझ लें। हम तो डरे नहीं, हम 700 साल गुलाम रहने के बाद भी हमने नहीं कहा हम डरे,
और हम ऐसे मेजॉरिटी के लोग हैं कि हमारे देश में जितने भी राज हैं उसमें एक राज है कश्मीर। उस राज में कोई 500 साल पुरानी घटना नहीं है। उस राज में जिसका क्लेम ये है, जिसमें मुसलमानों की मेजॉरिटी है, 68% मुसलमान उस राज में हैं, उस राज में वहां की सत्ता, वहां की व्यवस्था, वहां के आतंकवादी, वहां के अलगाववादी सब मिलके 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं और उनको अपने देश में एक शरणार्थी बना देते हैं। उसके बावजूद भी हिंदुओं से पूछा जा रहा है, भाई आप तो इंटॉलरेंट हो गए, आप तो जो है इस वक्त आपने देश में अशुचिता फैला रखी है और धार्मिक उन्माद पैदा कर रखा है। लेकिन अब हम इसको पूछेंगे नहीं, क्योंकि कश्मीर का मामला है, 3 लाख पंडितों का मामला है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि अगर कश्मीर के अंदर 3.5 लाख पंडितों को रात के अंधेरे में मस्जिदों का इस्तेमाल करते हुए, उन मस्जिदों में जिसमें आपने हथियार रखे, उन मस्जिदों में जिसमें रात में आप अजान दे दे के आपने कहा ला शर्किया ला शर्किया ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां रहना होगा तो कलमा पढ़ना होगा, इस तरीके के नारे लगाए, आपने हजारों औरतों को मारा, उनके घर लूटे और ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि जिस औरत ने अपने कॉलेज टाइम में जिस छात्र को पढ़ाया उसी ने उसका रेप किया और मर्डर कर दिया। आप एक ऐसी विचारधारा से लड़ रहे हैं कि जहां हजारों साल रहने के बावजूद भी आपके और उनके बीच में एक ऐसा तारतम्य नहीं बना, एक ऐसा संबंध नहीं बना कि उन लोगों ने आपको मारा जो आपके साथ बरसों से थे। आप उस मानसिकता से ये उम्मीद कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको पुचकार करके, कुछ कंसेशन दे करके, कुछ माइनॉरिटी कमीशन बना करके, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, आप उसको चाहते हैं कि वो आपकी बात मानने लगेंगे? आप तो उनसे कोई गर्दन पे तलवार रख के तो नहीं कह रहे कि भाई हमारी ये बात मानो। हम तो उन लोगों में से हैं कि भाई आज भी 2018 में इस देश में राष्ट्रवादी सरकार है, राज्यों में है, उसके बावजूद भी हमारे धर्मगुरु उन लोगों की ठोड़ियों में हाथ डाल रहे हैं कि भाई ये हमें दे दो, इस पे से दावा छोड़ दो। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये हो रहा है कि नहीं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया, क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट इस समय सरकार चलाती है, इस देश में प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है। आप कोई अखबार किसी दिन का पढ़ लें, 8-9 खबरें सुप्रीम कोर्ट की होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल से ये बंद हो जाना चाहिए, परसों से वो बंद हो जाना चाहिए, महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए, शबरीमला पे क्या होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ही देश चला रहा है, तो फिर इस देश की व्यवस्था और सत्ता की जरूरत क्या है भाई? और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कचहरी कब से किसी के फेथ को तय करने लगे? अगर मुझे बताएं कि अगर यही तर्क दिया जा रहा है कि सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये क्यों नहीं कहता है कि हिंदुस्तान की हर मस्जिद में मुसलमान मर्द के साथ में मुसलमान औरत भी नमाज पढ़ेगी? ये भी कह के देखे, ये कहने में क्या दिक्कत है भाई? तो आप मस्जिद के नाम पर आपने 70 साल डराया, आप डर गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो मैं आपसे भी सबसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कुरान की रोशनी में ये कह दिया, उसका रेफरेंस देके कर दिया, तो मथुरा और काशी में किसका इंतजार कर रहे हैं आप? किसका इंतजार कर रहे हैं आप भाई? और क्यों कर रहे हैं? अरे हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम के अंदर मस्जिद का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो फिर वो मस्जिद नहीं है ना, फिर तो किसी ने इंक्रोच किया ना आपके मंदिर को तोड़ करके, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि अब इसको तोड़ के हमें वापस दिलाए? तो इस देश का हिंदू ही क्यों चाहता है कि सब काम सुप्रीम कोर्ट ही करे, खुद कुछ भी करिए आप भाई? बर्मा वालों ने अपना काम करना था, कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई रोहिंग्या यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट कहता है रोहिंग्या को यहां रखिए क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोहिंग्या को लेकर के जो मानवता का जो स्केल है वो तो बड़ा हाई है, लेकिन इसी देश में शांतिप्रिय लोग, इसी देश में अपने देश से प्यार करने वाले लोग, 3.5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर शरणार्थी बने हुए हैं, उनकी मानवता के लिए सुप्रीम कोर्ट का कभी दिल में पसीजता नहीं है। तो ये इसलिए भी होता है कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या ऐसी तमाम संगठन, इसलिए शायद इस देश में इस किस्म का माहौल बन रहा है कि जो चिल्लाएगा, जो डराएगा, जो धमकी देगा आपको और आप उसको धमकी देने में कामयाब हो जाएं तो ठीक है। और इसीलिए जामा मस्जिद का इमाम जो दिल्ली में है,
विदेश से आया था, आप सब जानते हैं, बुखारी बुखारा से आया था, यहां का तो था नहीं भाई। उसके ऊपर 65 FIR है नॉन वेलेबल, 65 FIR जिसमें उसको नेल नॉन वेलेबल वारंट है। लेकिन सर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम उसमें लिख के दिया दिल्ली हाईकोर्ट को कि इनको गिरफ्तार करने से दंगा हो जाएगा, शांति बिगड़ जाएगी। तो पिछले 10 साल से हाईकोर्ट ने पूछा नहीं कि इतना बड़ा ये गुंडा है कि इसको पकड़ने से दंगा हो जाएगा, तो हो जाए दंगा। आपको रूल ऑफ लॉ लागू करना चाहिए ना, आप रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं लागू कर रहे यार? इसका मतलब है कि आप कोई फैसला देंगे और चंद लोग शहर के अंदर दंगा कर देंगे कि हम फैसला नहीं मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं 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 हमारा फैसला बेकार है। क्योंकि आपको पता है कि जो सहिष्णु समाज है, जो टॉलरेंट समाज है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो धमकी नहीं देगा। तो मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं भाई इस टॉलरेंट समाज को आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि ये वैसे ही करने लगे जैसा और कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट को कि अगर इस देश की मेजोरिटी ने 1% मेजोरिटी भी इस देश की अगर वैसे ही बिहेव करने लगेगी तो फिर बहुत सारे कानून जो है कोर्ट में तय नहीं होंगे, सड़क पर तय हो जाएंगे। वो नौबत ना इस देश को, उनको सोचना चाहिए कि ये नौबत हम इस देश को, इस देश के लोगों के तहम्मुल, उनके उनकी उनके उनके धैर्य का इतना इम्तिहान ले रहे हैं। हर बात पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट को यही काम बचा है और कोई काम नहीं बचा है सुप्रीम कोर्ट को। आप चाहते हैं कि लोग जो है उस उग्रता पे आ जाएं, उस आतंकवाद के उस पे चले जाएं, हथियार उठा लें, तो ये देश इस समाज से सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है? इस खामोशी को आपकी कायरता समझा क्यों जा रहा है भाई? हम नहीं उठाना चाहते हथियार, और अगर हम हथियार उठाने वाले होते तो 3.5 लाख छोटी मोटी गिनती नहीं होती है। जम्मू कश्मीर से जिन लोगों को निकाला गया उसमें से 100 लोग भी हथियार उठा लेते तो ये नौबत नहीं आती। एक ने हथियार नहीं उठाया। अब आप कहेंगे ये कायरता, मैं उसको कायरता नहीं मानता, ये बरसों की 5000 साल की सभ्यता का DNA है कि आप हथियार से नहीं लड़ना चाहते, आप तर्क से लड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो 5000 साल का दौर 5000 साल पहले था, जब समाज सभ्यता मूल्य थे, परंपराएं थी, लोगों का स्टेटस वही था। आज आप एक जिहादी मानसिकता से, आज आप एक लेफ्टिस्ट एंगल से लड़ रहे हैं, उन लोगों से लड़ रहे हैं, माओवाद से लड़ रहे हैं, जिहादियों से लड़ रहे हैं, उनके नेक्सस से लड़ रहे हैं, तो 5000 साल पुरानी सभ्यता वाले हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। अब आपको सामने वाले के हथियार के बराबर का हथियार लेना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। आप हर छोटी बात पे देखें, डिबेट में देखें, हर छोटी बात में साहब इस्लाम खतरे में है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि एक धर्म 1400 साल पहले शुरू हुआ, मैं वो अच्छा है बुरा है उस पर नहीं जा रहा, मैं तो जो किताब में लिखा है मैं तो उसी की बात करता हूँ भाई। जो किताब में लिखा है कम से कम उसी को फॉलो कर लो, आप उसको भी फॉलो नहीं करना चाहते। तो आप हिंदुस्तान में इस्लाम के नाम पर और कुरान के नाम पर आप अपनी मंशा और अपनी फितरत को थोपना चाहते हैं, क्योंकि एक समाज ने उस किताब को पढ़ा नहीं है, उस भाषा को पढ़ा नहीं है, लिहाजा आपको लगता है सुबह से शाम तक झूठ बोलो, खूब जम के झूठ बोलो। तो मैं कहता हूं कि भाई आप ईमान, रोजा, नमाज, हज और जकात, ये 5 प्रिंसिपल हैं इस्लाम के, इनको फॉलो करने वाला मुसलमान होगा। लेकिन इन 5ों के अंदर शर्तें भी हैं। ईमान जो है वो पहली शर्त है, और ईमान का अब आप पूछेंगे कि कुरान मजीद में मुसलमान लिखा हुआ है क्या कहीं वर्ड कि ये किताब मुसलमानों के लिए है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जिसका ईमान मुसल्लत होगा यानी कंप्लीट होगा वही मुसलमान कहलाएगा। तो भाई ये कुरान शरीफ कोई मुसलमानों के लिए नहीं लिखी गई थी कि तुम्हें ही पढ़ना है इसको, पुष्पेन जैसे लोगों के लिए भी लिखी गई थी तुम भी पढ़ लेना इसको, ताकि ये जब झूठ बोले तो सच बता देना समाज को। तो आप जितना फ्रॉड हमारे देश में है यानी इस खित्ते में है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, कुरान और इस्लाम को लेकर जो झूठ और मक्कारी का फरेब चल रहा है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, इसलिए हमारी ऐसी समस्या कहीं नहीं है। आपको सऊदी अरब चले जाएं, वहां रोज मस्जिद बनती है, रोज टूट जाती है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे समाज ने क्या गलती की है, क्योंकि हमारे यहां लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि कोई दूसरा आदमी उन्हें बुरा ना कहे,
जिसको भी बुरा कहना है वो पुष्पेंद्र को कहे, लेकिन हमें ना कहे। इसलिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं देखिए सारे धर्म बराबर हैं, हर धर्म की किताब शांति की बात कहती है। आपने पढ़ी कुरान? आप में से किसी ने कुरान पढ़ी? लेकिन आप 99% ये कहते हैं कि देखिए हर धर्म जो है शांति का संदेश देता है। तो मैं कुरान शरीफ में पहली क्लास से लेकर के 10वीं तक ढूंढता रहा, 12 साल पाकिस्तान में ढूंढा, मुझे वो शांति नजर नहीं आई उसमें, कि कहां शांति है भाई इसमें। लेकिन हम कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, इस फ्रॉड को भी पूरी दुनिया में लोगों को बता दिया गया। और आप पूरी दुनिया के अंदर, आप भारत को छोड़ दीजिए, 57 देशों में से कोई एक देश बता दीजिए जहां शांति हो। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी बेटी फातिमा के शौहर अली, फजर की नमाज होती है सुबह 4:30 बजे, वो नमाज पढ़ने गए, उनका कत्ल कर दिया गया। तो जब मैंने एक स्पीच में कहा कि भाई उनका नमाज आरएसएस विश्वहिंदु परिषद ने किया था क्या, रामलाल श्यामलाल गए थे क्या वहां करने, तो कौन गया था करने भाई? उनके दामाद का कत्ल हुआ, चारों खलीफाओं को मारा गया, नवासे को मैदान में घेर कर मारा गया, नारे तक भी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मुसलमानों ने उनको मारा। तो भाई इसमें तो हम कहीं भी जिम्मेदार नहीं थे। तो तुम्हारे खलीफा मारे गए, मोहम्मद साहब के दामाद मारे गए, खुद मोहम्मद साहब को किस तरह से मारा गया वो भी सबको पता है, उसके बाद की हिस्ट्री सबको पता है। तो जो धर्म कत्ल से शुरू हुआ हो, वो धर्म आज 2018 में कह रहा है कि वी आर रिलीजन ऑफ पीस। अब ये रिलीजन ऑफ पीस जो है आपको समझ नहीं आ रही, उनको समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको रिलीजन ऑफ पीस बताएंगे। तो उन्होंने सन 1947 में रिलीजन ऑफ पीस बताया कि दो पीस कर दिए भारत के लोगों। लेकिन हम उसके बाद भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं का फलसफा कब खत्म होगा भाई? आप बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि शेर व शायरी करने लगते हैं कि बड़ी हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो जो शेर है उसको सब लोग कहते हैं भाई। तो मैंने अभी फेसबुक पे कहा लोगों से कि भाई ये जो लोग कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो मैंने कहा जाओ पता करो कभी अफगानिस्तान में भी होती थी बस्ती तुम्हारी, वहां भी तो जाके देखो। लेकिन हमें अपने आप को खुश रहने के लिए, अपने आप माहौल को बचाए रखने के लिए हम अवॉइड करते हैं। और यही वजह है कि अगर सबरीमला पे हमला हो रहा है, किसी खास सोच के साथ हो रहा है, किसी एजेंडे के साथ हो रहा है, आप 1000 साल पुरानी परंपरा को सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को इतना ज्ञान है कि उन्होंने कहा कि वहां इस उम्र से इस उम्र की महिला को जाने की इजाजत नहीं है, अरे जो 1000 साल से कोई परंपरा बनी होगी तो उसके पीछे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। लेकिन आप किस तरीके से वहां की पुलिस ने, किस तरीके से इस माओइस्ट लोगों ने मिल करके वहां 2 लोगों को अंदर डाला और फिर आपने उस अयप्पा की मूर्ति का खंडन किया, इसे तो मैं माओइस्ट असॉल्ट मानता हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई इस मानसिकता से हिंदू देश का कब बाहर निकलेगा? कि सबरीमलाई का मामला होगा तो हमारा थोड़ी कोई मामला है, हमारा तो महाकाल से मतलब है, यूपी वालों का काशी से मतलब है, बिहार वालों का किसी और से मतलब है। ये जो मानसिकता 700 साल 800 साल जिसके कारण आप गुलाम रहे, इसको तोड़िए। सबरीमलाई भी आपके लिए उतना ही प्यारा है जितना काशी प्यारा है, जितना महाकाल प्यारा है। आपकी खामोशी और आपका रिएक्शन न देना लोगों को ताकत देता है, और हम इतिहास में जो भूल कर चुके हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। क्यों धार में, भोपाल में, काशी में, आसाम में, बिहार में क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा? क्यों रिएक्शन नहीं होता भाई? और जब आप एक ऐसे ढांचे को, जिस ढांचे को इस्लाम में गैर कानूनी कहा गया, आप जब उसको ढहा देते हैं तो प्रतिक्रिया कहां कहां होती है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, और इस्लामिक वर्ल्ड में प्रतिक्रिया हो जाती है कि मस्जिद तोड़ दी। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया तो विदेशों में बैठे लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने ही मुल्क में हमारे ही जो सालों के पुराने मंदिर हैं उनको कैसे, उनका उपहास किया जा रहा है, कैसे उनको बिगाड़ा जा रहा है, और हम शांत रहते हैं। तो हमने 700 साल पहले जो गलती की, क्या अब हम उसको दोहराना चाहते हैं? क्या हम इतना नहीं समझ पा रहे कि 700 साल के बाद पिछले 70 साल में क्या हुआ है? कैसे कैसे आपकी चीजों को ऐसा कर दिया गया है कि आप इधर निकलते हैं तो इधर फंस जाते हैं, इधर निकलते हैं तो इधर फंस जाते हैं। सिख, क्रिश्चियन, मुसलमान, इनके चढ़ावे का तो हिसाब मुसलमान रखेगा,
लेकिन हिंदुओं के चढ़ावे में से सरकार को जाएगा भाई, सरकार हमारे मंदिरों के पैसे से चलेगी, सरकार मेरे आपके टैक्स से चलेगी, और कश्मीर के लोगों को 80 करोड़ रुपया हमारे टैक्स का दिया जाएगा, और कश्मीर का आदमी भारत की सेना को मारेगा, उसको पत्थर से मारेगा, उसके पीछे से हमला करेगा, और उस देश के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तान की बात करेगा, कश्मीर को आजाद करने की बात करेगा। तो भाई हम सबको पूछना चाहिए कि आखिर हिंदुस्तान की टैक्स पेयर जो हम हैं, जिससे सरकारें चलती हैं, सरकार चलाने के लिए दिया है हमने, देशद्रोहियों को पैसा देने के लिए नहीं टैक्स जमा किया, ये रिएक्शन क्यों नहीं आता आपसे? सरकार किसी की हो, सरकार आएंगी जाएंगी, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, लेकिन अगर आपने अपने समाज को सच बात नहीं बताई, अपने समाज को वो जो आपका इतिहास है उससे आपको अपडेट नहीं कराया और सोच में बदलाव पैदा कर दिया, इससे बड़ा दुनिया में बदलाव नहीं होता, समाज आसानी से नहीं बदलता। इस 4-5 साल से मैं देख रहा हूं कि जो बदलाव समाज में आया है उसी की वजह से है। आप में से कोई मुझे नहीं जानता, जो भी कुछ मैं टेलीविजन पे या अपने फेसबुक पे डालता हूँ उस कारण से हमारे आपके बीच में रिश्ता बना, और मैं शायद कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो आपने नहीं सुनी होगी, और आप रात के 9 बजे मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकारों का विरोध कीजिए, उनको बुरा भला कहिए, उनका कॉलर पकड़िए, उनको डांटिए डराइए, लेकिन गिराइए मत भाई। आप गिरा देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं आप करने जा रहे हैं, तत्कालिक तौर पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अगर आप गिराने लगे चीजों को तो। ये तो ऐसा महान देश है कि विदेशों में ये भी लिखा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसी लोकतंत्र में प्याज के भाव जो है सरकार गिरा देते हैं। कमाल का देश है भाई, प्याज महंगी हो गई तो सरकार गिर जाती है भाई। ये सरकार इतनी कमजोर है इस देश की, सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये इतना बड़ा देश है, दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे ऊपर लोग हंसते हैं कि साहब प्याज के दाम बढ़ने से सरकारें गिरती हैं क्या? लेकिन हम ये सब कर चुके हैं। अरे आपने जो गलतियां की हैं, हमसे जो गलतियां हो गई हैं, वो अब न हो, कम से कम अब तो कमर कस ले भाई, ये महत्वपूर्ण है। हजारों शिकायत होती हैं, मैं मानता हूं, क्या हजारों शिकायत घरों में नहीं होती? क्या हम अपने पिता को मारने लगते हैं? क्या घर तोड़ देते हैं अगर बहुत सारी मांगे नहीं पूरी होती? क्या सब बच्चे विद्रोह कर देते हैं? तो ये मुझे लगता है कि ये इस पे इस समाज को मनन करना चाहिए कि हम जिस 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 चैलेंजेस से, जिन चुनौतियों को हम देख रहे हैं, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और जिन लोगों को ये गलत फहमी है या जिन लोगों को इस बारे में कोई पता नहीं है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ कश्मीर में हो रहा है, इस देश में लगातार मैं कह रहा हूं 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, इसका अंदाजा नहीं है आप लोगों को। आप जागिए, आप सोचिए कि आज भी आपके देश के अंदर आप सुरक्षित नहीं हैं, ना आपकी बहनें सुरक्षित हैं, ना माएं सुरक्षित हैं। जिसको जो मौका मिल रहा है वो कर रहा है। आप एक ऐसी मानसिकता से लड़ रहे हैं, ऐसी आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं कि आप अभी यहां जहनी तौर पे तैयारी नहीं है उसका काउंटर करने के लिए। और मैं तो अभी काशी होके आया हूं, कुछ दिन पहले मेरा 3-4 दिन पहले लेक्चर था, क्योंकि वहां डिमोलिशन का काम चल रहा है। वहाँ जो बराबर में मस्जिद है, जहाँ कभी महादेव की जगह हुआ करती थी, वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह रखा गया है। उस मस्जिद में ऊपर गुम्बद जो है बस वही इस्लाम है, बाकी पूरा मंदिर है वो नीचे। उसमें तमाम तस्वीरें बन रही हैं, उसमें तमाम कंगारू बन रहे हैं, उसमें कमल के फूल बन रहे हैं, उसमें लक्ष्मी जी की तस्वीर बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो हमसे कहते हैं कि आप सेकुलरिज्म का प्रमाण दीजिए, वो ये नहीं कहते कि भाई देखिए उन्होंने गलती की थी, उन्होंने गलती की थी। आज अगर हिंदुस्तान में भाईचारा रहना है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात रहनी है, तो मेरी अपनी एक मांग है, जिस दिन इस देश के मुसलमान बिना पूछे सुबह निकलें और दिल्ली में जो 57 सड़कें हैं उन हमलावरों की, अकबर से लेकर औरंगजेब, औरंगजेब से लेकर के शाहजहां, शाहजहां से लेकर तमाम सड़कों के नामों को तोड़ दे जाकर के, और इस देश में जितने भी 30,000 मंदिरों को तोड़ा है उनको खुद अपने हाथ से तोड़े, कह के ये आपकी है और आप इसे अपने पास रखिए, तब मैं मानूंगा कि गंगा जमुना तहजीब है, जब मैं मानूंगा हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। ये नहीं हो सकता भाई, ये अजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारा है कि आप जरा सी किसी बात को कहते हैं तो लोग हथियार उठा लेते हैं, लोग इस्लाम की बात करने लगते हैं, लोग मुल्क बांटने लगते हैं,
कश्मीर का शहर मुक्ति खड़े होकर कहता है कि भाई जब हम मात्र 10 करोड़ थे तब तो पाकिस्तान बन गया था, अब हम 25 करोड़ हो गए, अब दोबारा से बनना चाहिए। लेकिन एक सेकुलर लीडर को मैंने नहीं देखा कि उस मुफ्ती की गर्दन पकड़ लेते कि तुमने कहा कैसे। एक मुसलमान को नहीं देखा मैंने कि उसकी बात को कंडेम करते। लेकिन नहीं, लेकिन हमारे यहां का कोई MP कोई नेता अगर कोई बात कर दे तो हम पार्लियामेंट में उससे माफी मंगवा देते हैं। ये हम में और आप में फर्क है। तो हम गंगा जमुना तहजीब के एक तरफा ठेकेदार नहीं है। हम इस गंगा जमुना तहजीब में हमने देखा कि गंगा भी सूख गई और जमुना भी सूख गई, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। इस देश के रिसोर्सेज के बारे में, इस देश के पर्यावरण के बारे में, इस देश के तमाम रिसोर्सेज के बारे में हमने तो नहीं देखा किसी को चिंता हो। बाबरी मस्जिद के अलावा कोई रैली निकली हो इस देश के अंदर कि गंगा सूख गई है, हम भी इसमें काम करेंगे, इसका पानी तो हम भी पीते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम पिए न पिए, रोहिंग्या आएंगे हम उनको भी पिलाएंगे, 5 करोड़ बांग्लादेशी आएंगे उनको भी पिलाएंगे। तो भाई मेरे, आपने इस मुल्क को समझ क्या रखा है? आपने समझा क्या इस मुल्क को भाई? क्योंकि आपको लगता है कि हमारा तो एक ही काम है, एक ही एजेंडा है कि हमको अपने बाप दादाओं की जो विरासत थी। पहले तो मुझे बड़ा ताज्जुब है कि दुनिया में एकमात्र कौम है यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं, न तो इस हिंदुस्तान के मुसलमान का जो उज़्बेकिस्तान से बाबर आया था ना तो उससे कोई लेना देना है इनका, न उसकी माँ जो मंगोलिया से आई थी उसका कोई लेना देना है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि वो आए थे, उन्होंने इस देश पर राज किया, मंदिरों को तोड़ा, इस देश की तमाम संस्कृति को नष्ट किया, सिर्फ उस सैडिस्ट प्लेजर के चलते, आपको छोटा दिखाने के चलते। ये पहले लोग हैं जो अपने बाप ही बदल लेते हैं। इनसे पूछो भाई तुम्हारा बाप नहीं था वो, आपको बताना पड़ रहा है। वो कहते नहीं वही हमारा बाप था। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उन लोगों से सवाल तो करें भाई, इसी देश में रह रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कोई पूछ नहीं रहा है तुमसे। लेकिन इस हमारी जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी सोच है, जो हमारी संस्कृति है भाई, हम उसकी वजह से हथियार चलाना हमें नहीं सिखाया गया। लेकिन हमें उतनी दूर तक मत ले जाओ कि हम बर्मा बन जाएं। और जिस दिन बर्मा होगा उस दिन लोग कहाँ होंगे नहीं पता होगा। ये गलत फहमी निकाल दें दिमाग से। मैं यही कह रहा हूं कि मैं कभी ये नहीं कहता किसी से भी, किसी सभा में मैंने नहीं कहा कि हिंदुओं को हथियार उठा के लड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता, आपको हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस दिन यहां पे तय कर लेंगे ना, वो हथियार से ज्यादा काम करेगा। अपने इस जहन को ठीक करिए, सच को सच कहिए। झूठ कहने से कोई बहुत दिन तक आपका दोस्त नहीं बना रहेगा। आप दोस्ती की कीमत 700 साल से दे रहे हैं, 70 साल से दे रहे हैं। इस देश का पहला शिक्षा मंत्री था, आज जो शिक्षा पढ़ रहे हैं, जिस साहब ने शिक्षा मंत्री थे उन शिक्षा मंत्री से पूछिए कि वो कहां पैदा हुए थे, कहां से आए थे। हमने तो मक्का से पैदा होने वाले आदमी को भारत का पहला शिक्षा मंत्री मान लिया भाई, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन वो देश का कैसा शिक्षा मंत्री था जो इस देश की शिक्षा प्रणाली को बना रहा था, लेकिन उसमें खुद इतना दम नहीं था कि उसने जो किताब लिखी, मौलाना आजाद ने एक किताब लिखी उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। उस किताब में आप कुछ लिखना चाहते थे, दिल की बात जो मक्का से आई थी उनके मन में, यहां तो कर नहीं पाए। वो बात लिखने के लिए उन्होंने 30 पन्ने लिखे और कहा कि मेरे मरने के 30 साल बाद इसमें चिपका देना भाई, मैं जीते जी तो नहीं बोल सकता। जो देश का शिक्षा मंत्री इतना कमजोर हो, इतना झूठा हो, इस तरीके का आदमी हो, उसने भारत को क्या शिक्षा पद्धति दी होगी मुझे समझ में नहीं आता। आप उसे भारत रत्न दे रहे हैं, आप उसे महान बता रहे हैं। आप जरा सुने ना उनकी जामा मस्जिद पे जो उन्होंने स्पीचें दी हैं, अब सब कुछ अवेलेबल है, बताएं ना उनकी सोच के बारे में। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की मांग की इस देश में, वो तो गए नहीं, वो तो यहीं रह गए और वो चले गए भाई। अब जो यहां हैं वो हमारे ऊपर एहसान करते हैं। जिनके बाप दादा ने इस देश की आर्मी से लड़ने के लिए रजाकारों की फोर्स बनाई, वो कह रहे हैं कि देखिए हिंदू हमको बेवकूफ ना समझें, हमारा ये एहसान है इस मुल्क के ऊपर कि हम जब पार्टीशन हो रहा था तो हमने जिन्ना की बात नहीं सुनी, हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि हम यहां रहना चाहते थे। ये कमाल की बात है। ये कौन लोग कह रहे हैं जिन्होंने हैदराबाद के अंदर 1 लाख लोगों की रजाकार की फोर्स बनाई और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे? वो तो भलाओ पटेल साहब का उन्होंने इतना मारा कि वो यही भूल गए कि हम कहां बनाए, और उसके बाद वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदुओं को एहसानमंद होना चाहिए हमारा, हमारे तो बाप दादा यही कहते भाई। तो ये अच्छा था, लड़ाई में हार गए तो कहा क्या कहते ये है, नहीं तो आपने पूरी कोशिश की।
तो जो गए थे उनका हाल क्या हो रहा है आपको पता है? जो पाकिस्तान यहां से गए थे उनकी हालत क्या है उसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि मेरा ऑफिस कराची में था इसलिए मुझे पास से देखा मैंने। हमारे मुल्क में जो मुसलमान रह रहा है ना, उसको इस बात का अंदाजा नहीं है, या शायद वो इस गलत फहमी का शिकार है कि इस देश का हिंदू जो है उसने दुनिया नहीं देखी है। पूरी दुनिया में जिन हालात में हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, सऊदी अरब का मुसलमान भी नहीं है, कतर दुबई का मुसलमान भी नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ यहां रहते हुए अपना निजामे मुस्तफा का जो ख्वाब है, मुगलों की भूली हुई उस हुकूमत का ख्वाब है, जो लोग ये समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा नहीं फैलेगा तब तक गजवाए हिंद पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसका जिक्र तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम उस दिन पूरा माना जाएगा जब भारत पे इस्लामिक झंडा फहराया जाएगा, इसलिए गजवाए हिंद की फिलॉसफी आपने पढ़ी नहीं है। वो गजवाए हिंद की फिलॉसफी का हिस्सा है डेमोग्राफिक चेंज, गजवाए हिंद की फिलॉसफी का हिस्सा है ये पॉपुलेशन का बढ़ाना। ये इसलिए नहीं है क्या कहते कि उनको कोई मजा आ रहा है, उनको पता है कि एक तरफ हथियारों से लड़ो, एक तरफ डेमोग्राफिक चेंज करो और एक तरफ इस देश के रिसोर्सेज पे कब्जा करो, यही है। धीरे 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 70 साल के बाद आज आप इस स्थिति में बैठे हैं कि आप जायज की आपकी मांग नहीं मारी जा रही, आप कोई जायज मांग भी मांग रहे वो आपकी नहीं मांगी जा रही, और इस देश की मेजोरिटी जो है वो ऑन द रन है, वो अपने ही देश के अंदर शरणार्थी बनी हुई है, वो अपने ही अधिकारों को नहीं बचा पा रही, अपने पूजा स्थलों को नहीं बचा पा रही, अपने कल्चर को नहीं बचा पा रही, अपनी शिक्षा पद्धति को नहीं बचा पा रही, और बार बार ये कहा जाता है साहब देखिए हम सुरक्षित नहीं हैं, अब हमें डर लगता है। तो कभी कभी हामिद अंसारी को डर लगता है, जब वो इस देश के तमाम बड़े पदों पर रहा तब तक उसको डर नहीं लगा, मेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, लेकिन पद से उतरते ही उसे डर लगने लगा, नसरुद्दीन शाह को डर लगने लगा, आमिर खान को डर लग रहा है। तो मैं ये कहता हूं मेरा कि अब तुम्हें डर लगना भी चाहिए, ये बहुत दिन हो गए, लगना भी चाहिए तुम्हें डर। आखिर हमने तो भाई इस तुमको डर ना लगे, तुम सुरक्षित रहो, उसके लिए सक्सेसिव सरकारें आईं, उन्होंने पूरी कोशिश की। मैं नसरुद्दीन शाह से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम मक्कार लोगों से पूछना चाहता हूं, मुंबई में 400 लोग मारे गए बम धमाकों में तब डर नहीं लगा था? 3,500 सरदारों को दिल्ली में मारा डर नहीं लगा? कश्मीर में अयूब पंडित को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसके बैच पे पंडित लिखा था, उसको तो भीड़ ने घुमा घुमा के मारा, हाथों से मार दिया, तब डर नहीं लगा? ये डर इसलिए लग रहा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, नसरुद्दीन शाह भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जहां से मैं पढ़ा के आया हूं, ये डर इसलिए लग रहा है कि इस देश में राष्ट्रवादी ताकतों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, इसलिए डर लग रहा है। इस डर के पीछे का कारण यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि सवाल पूछते पूछते लोग हमसे पूछने लगें और हमारे पास जवाब ना हो, लिहाजा माहौल को हमेशा ऐसा रखो कि हिंदू इस देश का बैकफुट पे रहे, हमेशा अपोलोजिस्टिक रहे, हमेशा इस बात के लिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। और मैं समझता हूँ कि पिछले 5-6 साल से जो माहौल बना, कोई इस देश में खतरे में नहीं है, कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा किस बात से है वो एक लाइन में आपको बताता हूँ। इस देश में 3 तलाक की डिबेट आप सबने देखी होगी, सभी को मोर लेस पता है कि 3 तलाक का मामला क्या है। कुरान शरीफ में जिस तलाक का जिक्र है ये वो तलाक नहीं है जो ये कर रहे हैं, कुरान शरीफ में इस तलाक का जिक्र नहीं है। जो ये तलाक जिसकी बात हो रही है इसे तलाक बिद्दत कहते हैं, ये हराम है, ये नाजायज है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या नरेंद्र मोदी नहीं आते तो उससे पहले तक ये हराम काम हो रहा था? यह नरेंद्र मोदी को अल्लाह मियां ने भेजा है मुसलमानों को ठीक करने के लिए कि जाइए ये हमारे बताए रास्ते से उतर गए, जाइए इनको ठीक करिए? वैसे इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कुरान शरीफ में सूरह निसा नाम की एक आयत है, उसमें फरमाया गया है, ये मैं नहीं कर रहा कुरान शरीफ की आयत बता रहा हूं, उसमें कहा गया है, अल्लाह ने कहा अपने लोगों से कि मैंने तुम्हें जिंदगी के हर शोबों के लिए बताया है, तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, अगर मेरे बताए रास्ते से हटोगे तो मैं इसी जमीन पर कुछ फरिश्ते भेजूंगा, वो फरिश्ते तुम्हें मेरे बताए रास्ते पे ले आएंगे। अब मैं नहीं जानता मोदी और योगी वो फरिश्ते हैं कि नहीं है, आई नो, लेकिन अल्लाह मियां ने कहीं ये नहीं कहा था कि उसका नाम खालिदी होगा, एहसान खानी होगा,
अल्लाह मैंने नाम तो बताया नहीं था, लेकिन अब वो आ गया है। तो वो बेचारा जो काम इन्हें करना चाहिए था कई सालों से, जो इन मुनाफिकों को करना चाहिए था कि जो कुरान में नहीं लिखा वो तुम क्यों कर रहे हो भाई। हम कह रहे हैं अपनी किताब के मुताबिक ही चले, तो आप अपनी किताब के मुताबिक नहीं चलते। तो अब आप तलाक़े बिद्दत पे आपने जो किया उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में आपको सिर्फ दो तीन बातें बताता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो था वो 1973 में एक एनजीओ थी, एक एनजीओ बनी, लेकिन वो खाप पंचायत की तरह बात करती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे तलाक़े बिद्दत पे जो एफिडेविट दिया है ना वो बहुत खूबसूरत है भाई। अब इस देश में किसी को नहीं बताया गया कि उस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, बताया नहीं गया, बस एफिडेविट दिया है। उस एफिडेविट के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुरान की जो आयत थी उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके ये दिया और ये कहा कि अगर तलाक़े बिद्दत के हिसाब से जो तलाक आप ख़त्म करने जा रहे हैं अगर इसे ख़त्म कर दिया तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। अब तलाक़े बिद्दत से इस्लाम का क्या मतलब है भाई? इस्लाम कोई चिड़िया कबूतर थोड़ी नहीं जो ख़त्म हो जाएगा भाई। इस्लाम हज़ारों साल से चल रहा है, इतना लंबा पुराना आपका धर्म है, किताब है। तो आप झूठ के नाम पे जज को डरा रहे थे, वो तो अल्लाह खैर करे कि वो जज साहब समझदार थे, उन्होंने चार बड़े लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा ये क्या लिखा है, उन्होंने कहा ये बकवास है, ये झूठ है, कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है, ये नाजायज़ है। तब कोर्ट ने कहा कि भाई आप कानून बनाइए। तो हज़ारों ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं जिसका इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है, कुरान से कोई मतलब ही नहीं है। आपने किताब पढ़ी नहीं है, वो किताब दिखा के आपको डराने लगते हैं। अब कुरान शरीफ की 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया है। जिहाद बिस्मिल्लाह अल्लाह सब जगह लिखा हुआ है। अब जिहाद को सही मायनों में तो बताएंगे नहीं, तो जिहाद को बताएंगे नहीं, जिहाद तो ये है कि हमारे अंदर जो बुरी प्रवृत्ति है उनके ऊपर काबू पाना। तो भाई पाओ ना बुरी प्रवृत्तियों के ऊपर काबू, हमारे ऊपर क्यों काबू पा रहे हो भाई, पाओ ना काबू उसके ऊपर, तो अपनी गलत कामों के ऊपर काबू पाओ। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जिहाद का मतलब क्या है। 34 बार जिक्र आया 30 आयतों के अंदर, लेकिन नहीं बताएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, सरकारों को डराने के लिए ये किताब का इस्तेमाल हो रहा है। और उस किताब के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें कुछ चीजें हैं जो गलत हैं, जो मैं मानता हूं मेरे हिसाब से गलत हैं। अगर गलत नहीं होती तो दुनिया का इतना बड़ा राइटर सलमान रश्दी ने जो बात लिखी है गलत थोड़ी लिखी है कोई उसने। लेकिन जो सही बात कहता है उसको या तो काफिर कह देते हैं, वो मुसलमान होता है तो उसको कहते थे ये तो बिक चुका है, और हिंदू कह दें तो फिर तो वो कमनल है, वो आरएसएस का होगा, वो विश्व हिंदू परिषद का होगा। तो यानी सच बात सुननी नहीं है भाई हमको, अपने मौलवी की नहीं सुनते, मुफ्ती की नहीं सुनते। जो मौलवी मुफ्ती हैं वो उनको वो सब बताते हैं जो उसमें है नहीं, जो है वो करते नहीं है। तो भाई आप बताएं मुझे कि कब्रों का कंसेप्ट नहीं है, कब्र नहीं बन सकती इस्लाम में। लेकिन आप देखिए कब्रों के नाम पे, आप अभी भोशाला होके आया हूँ, इस देश में कब्रों के नाम पे ज़मीन घेरो, कब्रें बनाओ, संगमरमर की कब्रें बनाओ। आप बताइए मुझे कि इस्लाम के पैगंबर फाउंडर मोहम्मद साहब की कब्र देखी है किसी ने? आप बताएं किसी ने देखी है कब्र? क्यों मोहम्मद साहब कम बड़े मुसलमान थे जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये उनसे बड़े मुसलमान है भाई। तो मोहम्मद साहब की कब्र कहाँ है? लेकिन नहीं, लेकिन ये झूठ फरेब चल रहा है कि नहीं साहब कब्रें हमारे इस्लाम का हिस्सा है। भाई ना तो कब्र तुम्हारे इस्लाम का हिस्सा है, न मस्जिद तुम्हारे इस्लाम का हिस्सा है, ये तमाम सारे तुम्हारी हिंदुस्तान में सियासत के हिस्से हैं, इसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है।